अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी बेसल सीड के हवाले से और चिया सीड के हवाले से भी, तो आज हम दोनों का डिफरेंस बताएंगे। मुझे चंद एक क्यूरीज भी आएंगे, चंद एक सवाल भी आते हैं कि चिया सीड और बेसल सीड में क्या फ़र्क है, ये दोनों एक जैसे रखते हैं, प्लीज़ इसके बारे में हमें बता दें। तो आज मैं आपके लिए फुल डिटेल इनके कुछ बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगा दोनों के, और आपको इनका डिफरेंट भी बताऊंगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसे, बेसल सीड और चिया सीड में क्या फ़र्क है। दोस्तों बेसल सीड या स्वीट बेसल सीड्स या सब्जा सीड या तुख में बुलंगा ये एक ही चीज़ है, ये मुख्तलिफ नाम है इनके। और दूसरा जो है चिया सीड्स एक अलग चीज़ है। बेसल और चिया सीड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बेसल जो का मतलब होता है शाही होता है यानी रॉयल, और जो चिया सीड होते हैं इनका जो नाम का मतलब है स्ट्रेंथ होती है, ताकत। तो जैसे नाम में फ़र्क है तो उसी तरह इनकी अफादियत में भी फ़र्क है। और जो बेसल सीड है ये आपको जो है ब्लैक कलर में मिलेंगे, तुख में मुलंगा जैसे कहते हैं। और जो आपको चिया सीड्स है इसका जो कलर होगा लाइट ब्राउन होगा या ग्रे कलर में आपको ये मिलेंगे, या थोड़ा सा जो है लाइट ब्लैक के अंदर ये मिलेंगे। तो जो चिया सीड है वो साइज़ में भी छोटे होंगे और जो बेसल सीड साइज़ में बड़े होंगे, इजीली पहचाने जाते हैं। अगर दोनों को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो ये चिया सीड जो है फूल के इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो छोटे ही रहते हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, आधा घंटा तकरीबन ले लेते हैं। और जो बेसल सीड है तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये फूल के डबल हो जाते हैं, ये ज़्यादा फूलते हैं। और जो है इनका जो ओरिजिन है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो बेसल सीड्स हैं सब्जा सीड या स्वीट बेसल सीड या आपका तुख्मे बुलंगा भी इसे कहते हैं, ये आपको जो है इनका नेटिव जो है जहाँ पे ये उगते हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश साउथ एशिया के अंदर ये उगते हैं बहुत आसानी के साथ, और मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जितने कंट्रीज हैं वहाँ भी ये बड़े अच्छे तरीके के साथ ग्रूम करते हैं, लाइक स्पेन हो गया, इटली हो गया, यूनान हो गया, तुर्की हो गया, बल्गारिया हो गया, जितने भी आसपास जितने भी समुंदर जो है बहरागून के ममालिक हैं वहाँ पे ये बड़े आसानी के साथ उग जाता है। और दूसरा जो चिया सीड्स हैं इसका जो गढ़ है ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिकन जो है प्लांट है, वहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके के साथ ग्रूम होता है, पैदा होता है वहाँ पे, लाइक मेक्सिको के अंदर ग्वाटेमाला में, पनामा में, कोस्टा रिका में, निकारागवा में और ग्वाटेमाला में, वहाँ पे ये बड़े अच्छे तरीके से उगता है और वहाँ पे इसे एज आ एनर्जी फूड यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके अब आते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, मैं आपको बताता हूँ ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। चिया सीड जो है बेसिकली सैलड के अंदर यूज़ होता है, पुडिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसे मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रेड्स वगैरह होता है उसे एज ए टॉप किया जाता है, जैसे तिल को यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पर नान के तौर पर। तो इसी तरह जो बेसल सीड सब्जा सीड या तुख्मे बुलंगा है इसे शरबत में मिला के पिया जाता है दूध के अंदर, और फलूदा वगैरह के ऊपर डाल के पिया जाता है या खाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया जब दोनों को हम चिया सीड्स को बेसल सीड को पानी के अंदर सोक करते हैं तो जो है बेसल सीड जल्दी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो चिया सीड कम टाइम लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बता दिया है दोनों वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ जो है भूख को कम करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। जो बेसल सीड का जो मेन काम है ये जिस्म की हरारत को दूर करता है, जिस्म को मुतदिल करता है और सुकून देता है, डिप्रेशन को दूर करता है, काम करता है, ठंडा करता है जिस्म को। और चिया सीड का जो मेन मकसद है जिस्म को ताकत देना है, मजबूती देना है, पावर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसल सीड और चिया सीड में फ़र्क पता लग गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मज़ीद कोई सवाल है तो मेरे इस जो है कमेंट्स बॉक्स के अंदर, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स के अंदर आकर आप क्यूरी छोड़ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आऊँगा, लास्ट में आपको जवाब लास्ट में दूँगा। तो मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लॉट नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त है, फिर हाफिज़, टेक केयर।